नमस्कार, ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित श्रृंखला सच का सामना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसे समय में जब पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों से मुक्ति के लिए छटपटा रहा था, संघर्ष कर रहा था, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस लड़ाई से दूर थे, इस लड़ाई के खिलाफ थे और हिंदू राष्ट्र बनाने में जुटे हुए थे। इन्हीं में से एक व्यक्ति थे केशव बलिराम हेडगेवार। हेडगेवार ने इसी मकसद से 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। उन्होंने न केवल खुद को बल्कि आरएसएस को भी स्वतंत्रता आंदोलन से दूर रखा और इस तरह से अंग्रेजों की मदद की थी। आज की इस कड़ी में हम हेडगेवार के काम और विचार दोनों पर चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। आपका स्वागत है प्रोफेसर पुनियानी कार्यक्रम में एक बार फिर से। तो केशव बलिराम हेडगेवार, आज उनकी हर तरफ जो सत्ता प्रतिष्ठान है जय जय करता है, क्योंकि वो जो संगठन उन्होंने स्थापित किया था 1925 में, आज वो इस मुकाम पर पहुंच गया है जब देश उनकी मुट्ठी में है, वो अपने हिसाब से पूरे देश को संचालित कर रहे हैं। लेकिन केशव बलिराम हेडगेवार हो या उनका ये संघ, दोनों की भूमिका आजादी के आंदोलन में क्या थी, ये भी हम आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हेडगेवार की शुरुआत, उनके परिचय के रूप में हमारे दर्शकों के दे कि वो कैसे इस तरह की विचारधारा के संपर्क में आए, कैसे उन्होंने इस तरह के संगठन की स्थापना की। जी देखिए, केशव बलिराम डॉक्टर, ये डॉक्टर थे और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ये नागपुर में रहने वाले एक चित्त पावन ब्राह्मण थे। वैसे तो ये विचारों से काफ़ी रेडिकल थे और शुरू में इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की कलकत्ता में जाके, और उनके जो गुरु थे डॉक्टर बी एस मुंजे वही थे जो जाके मुसोलिनी से भी मिले थे और उन्होंने उस प्रकार की विचारधारा के बारे में यहाँ बताया। तो बी एस मुंजे की मदद से वो कलकत्ता गए, वहाँ अनुशीलन समिति के वो सदस्य बने। उन्हें लगता था वो जो बम वगैरह बनाने से हम ये कर देंगे। और बाद में फिर जब नागपुर में आए तो नागपुर में शुरुआत में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग लिया, इस बात को हमको मानना पड़ेगा, और उसके लिए उनको एक साल की जेल भी हुई। उसके बाद वो वापस जब आए तो उनके हाथ में विनायक दामोदर सावरकर की जो किताब है हिंदुत्व और हु इज़ ए हिंदू, ये मैन्युस्क्रिप्ट उनके हाथ में आई और वहाँ से उन्होंने उनके विचार कहे, ये सही चीज़ है, हमें हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर हिंदू राष्ट्र प्राप्त करना है। ठीक है, तो इसी के चारों तरफ उन्होंने जो लोगों से बातें की तो उनके साथ मिलकर चार और चित्तपावन ब्राह्मण जो नागपुर क्षेत्र के कई थे, उसमें सावरकर के बड़े भाई बाबा राव सावरकर, फिर डॉक्टर अभ्यंकर, डॉक्टर और एक दो थे इन्होंने मिलकर गोलवलकर, बाद में तो इन्होंने मिलकर 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया। अब इसका पहले नाम को आप समझ लीजिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये कह रहे हैं। अब इन्होंने नाम राष्ट्रीय क्यों रखा, उनकी समझ थी कि हिंदू यहाँ राष्ट्र है, हिंदू ही यहाँ राष्ट्र है, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी वो संघ जो हिंदू राष्ट्र के लिए काम करे। अच्छा, फिर वहाँ उनके जो नागपुर क्षेत्र में कुछ सांप्रदायिक दंगों में इनका भाग था, इनका थोड़ा विस्तार होने लग गया और थोड़ा इनका विस्तार हिंदू महासभा के पीछे पीछे भी हुआ। ये हिंदू महासभा का भाग नहीं थे, कई लोगों को ऐसा होता है कि यहाँ मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ प्रोफेसर पुनियानी की, बी एस मुंजे जो थे वो हिंदू महासभा के नेता थे, वो कांग्रेस में भी थे और घनघोर दक्षिणपंथी हिंदूवादी नेता थे, और बी एस मुंजे एक तरह के मेंटर भी थे हेडगेवार के, वो उनके मानस पुत्र जैसे थे, और सारी जो उनकी वैचारिक समझ बनी वो बी एस मुंजे और बाद में जैसा आपने कहा कि सावरकर की किताब हिंदुत्व को पढ़कर बनी। लेकिन वो पहले से ही, वो चूंकि आप जानते हैं कि चित्तपावन ब्राह्मण एक तरह के ब्राह्मणवादी तो थे ही और उसमें हिंदुत्व का छौंक भी उस समय लग ही रहा था, तो सब मिलाकर एक वो पहले से तैयार थे इस चीज के लिए। इसीलिए जब 1925 में बना तो उनके दिमाग में बिल्कुल क्रिया था कि मुझे क्या करना है, और हो सकता है कि बी एस मुंजे ने उन्हें इसके लिए तैयार किया हो कि हिंदू महासभा
एक राजनीतिक संगठन है, राजनीति में सक्रिय हिस्सेदारी कर रहा है, तुम एक ऐसा संगठन बनाओ जो कि सांस्कृतिक रूप से और पूरे देश भर में हिंदू हिंदुत्व को लेकर जागरूकता पैदा करे और एक संगठन बनाए, तो ये इस तरह से भी हो सकता है। जी जी, तो उसमें मुख्य बात यही है कि उन्होंने, जैसे आपने कहा कि सक्रिय रूप से राजनीति में भाग नहीं लेंगे, सक्रिय रूप से राजनीति भाग नहीं लेंगे, इसका निर्णय लिया। और बीच में कुछ जो सांप्रदायिक दंगे थे उनमें भी उनका जुड़ाव था। अब उन्होंने मुख्य काम क्या किया कि अपनी एक तो शाखाओं का विस्तार किया, और उन्होंने जो तरीका निकाला कि वो लड़कों को, लड़के खास तौर से 5 से 15 साल के लड़के खेलने के लिए आएंगे शाखा में, और रोज़ खेल कूद करेंगे, और 2 दिन उनकी क्लासेस ली जाएंगी। क्लासेस यानी उनको एक बौद्धिक, उनका जो दिमागी दिमाग में ब्रेन वॉशिंग इंडॉक्ट्रिनेशन आप जो भी कहें वो किया जाए। और ये उनका सबसे महत्वपूर्ण भाग रहा, क्योंकि कई बार मैं सोचता हूँ कि कार्यकर्ता लोग क्यों आएंगे, तो उसके लिए उन्होंने कहा, बाद में उनके जो उत्तराधिकारी गोलवलकर ने कहा कि जैसे आप अपने बगीचे में जाके एक दिन अफीम रख दीजिए, मोर आके खाएगा, दूसरे दिन रख दीजिए, मोर आता रहेगा। तो इसी प्रकार से लड़कों को आकर्षित करने के लिए हमें खेल कूद रखना चाहिए। मुख्य काम तो है उनका ब्रेन वॉश करना। तो ये ब्रेन वॉश का जो उनका मॉड्यूल था वो भारतीय राष्ट्रवाद की समझ से पूरा विपरीत था। भारतीय राष्ट्रवाद इस समय बात कर रहा था कंपोजिट इंडियन नेशनलिज्म, सभी धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी सभ्यताएं, सभी भाषाएं, हम एक भारतीय भौगोलिक रूप से एक राष्ट्र हैं। तो उसके उलट जाके इन्होंने अपने लड़कों को जो ट्रेनिंग दी वो ये थी कि हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं। अब इसमें अपने आप में अगर आप इसका विश्लेषण कीजिए तो राष्ट्र की कल्पना कब आती है, हिंदू शब्द कब आता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप यंग माइंड्स को वो बताइए, उनके दिमाग में आ जाता है फिर कि ये मुसलमान विदेशी हैं, क्रिश्चियन विदेशी हैं, ये उनका एक भाग। और मुसलमान विदेशी हैं उनकी बदनामी के लिए, उस समय पहले तो शाखाओं में ज़्यादातर मुसलमानों के खिलाफ किया जाता था, और वो उनके प्रतीक थे मुसलमान राजा, कि मुसलमान राजा आए, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, जबरदस्ती से धर्मांतरण किया, और उसी के साथ हमारी महिलाओं पर अत्याचार किया। इसका भाग नंबर एक। और उसमें फिर उन्होंने भाग दो कि हमारे हीरो देखिए, हमारे हीरो राणा प्रताप, शिवाजी, ये अब खैर मैं हम अलग से हम बात कर सके हैं, कर चुके हैं कि इनकी लड़ाइयों में धर्म का एंगल नहीं था, पर उन्होंने हिंदू हीरोज के रूप में, तो उनकी शाखा में दूसरा। और तीसरा मेरे ख्याल से जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो ज़्यादा दिखती नहीं है पर ज़्यादा महत्व है, उन्होंने प्राचीन काल का गौरवान्वयन किया, गोल्डन पास्ट। अब गोल्डन पास्ट में जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं इंक्लूडिंग मनुस्मृति, तो बाद में तो गोलवलकर ने इसको आउटलाइन किया कि मनु महाराज, भगवान मनु पहले कानून निर्माता थे, उनके कानून सबसे दुनिया के बेहतर कानून हैं। तो इस आधार पे वो शाखाओं को ले जाने लग गए। उन्होंने भगवा झंडा को गुरु माना, गुरु एक किसी व्यक्ति को नहीं माना, झंडे को ही अपने गुरु के रूप में माना, और ये शाखाओं का जाल जो भी बढ़ने लग गया देश में, काफ़ी तेज़ी से बढ़े। और इन्होंने अपने दो कैटेगरी रखी, एक तो स्वयंसेवक, जो भाई आता है कैजुअली चला जाता है और ट्रेन होता रहता है, और दूसरे प्रचारक यानी आप फिर रेगुलर इससे गहरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाइए, पूरी तौर से आरएसएस को समर्पित हो जाइए, आप निर्णय कीजिए कि परिवार आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आपका समाज महत्वपूर्ण नहीं है, आरएसएस की से साथ मिलकर आप राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की सेवा करेंगे। तो ये प्रचारकों का जो जाल बढ़ा वो मेरे ख्याल से आरएसएस के रीढ़ की हड्डी बना, और ये हेडगेवार इसका प्रसार करने लग गए। अंतिम पॉइंट इसमें आपको बता दूं कि उन्होंने अपने जो स्वयंसेवक और फॉलोअर्स थे उनको पूरी तौर से आज़ादी के आंदोलन से दूर रखा। इसका आपको एक मैं घटना बताता हूँ। 1930 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के रूप में जो चालू हुआ, तो कई लोग हेडगेवार जी के पास आने लग गए कि अभी तो देश में बहुत उथल पुथल है, हम भी अगर जाएंगे तो हम भी आज़ादी के लिए काम कर सकेंगे। तो एक सज्जन उनके पास आए
उन्होंने कहा कि डॉक्टर जी उनको कहते थे, डॉक्टर जी, कि मैंने 2 साल के लिए अपने परिवार के लिए पैसे का इंतज़ाम करके रखा है, तो मैं आंदोलन में शामिल होना चाहता हूँ। तो डॉक्टर जी उनको कहते हैं, अगर आपने 2 साल के लिए पैसे का इंतज़ाम किया है तो आके आप संघ में काम करो, आप उधर क्यों जाते हो। दूसरा, खुद उन्होंने इसमें सिविल डिसोबीडियंस में भाग लिया, पर उन्होंने बहुत क्लियर की कहा। उस समय क्या किया उन्होंने, वो आरएसएस के सरसंघचालक थे, उस पद से अलग हो गए, अपने मित्र डॉक्टर परांजपे को उन्होंने मुखिया बना दिया और वो जेल गए, आंदोलन के कारण जेल गए। और उन्होंने बड़ी स्पष्टता से उनके जो बायोग्राफर भिशीकर हैं और दूसरे उनके बायोग्राफर्स लिखते हैं कि उनके जेल जाने का उद्देश्य बहुत क्लियर था। क्लियर ये था कि मैं जेल में रहूँगा तो बहुत सारे समर्पित कार्यकर्ता मुझे मिलेंगे, जिनके साथ मैं संघ के बारे में चर्चा करूँगा और उनको संघ से जोड़ने की कोशिश करूँगा। तो ये दूसरा था। तीसरी एक घटना मैं बताना चाहता हूँ, जैसे 1929 में जवाहरलाल नेहरू जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने वो पूरा कांग्रेस में जो परिवर्तन लाया और फिर वो रखा कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, तो उन्होंने 26 जनवरी का दिन तय किया। तो 26 जनवरी के दिन के लिए हेडगेवार जी ने सर्कुलर निकाला कि हम भी 26 जनवरी का दिन मनाएंगे, पर हम तिरंगा झंडा नहीं लहराएंगे, हम अपना भगवा ध्वज लहराएंगे। तो उनका जो भारतीय राष्ट्रवाद से जो दूरी थी वो उन्होंने सतत बनाई रखी। यहाँ एक बात और भी बता दूँ, शुरू 1921 से 1928 तक वो भारतीय कांग्रेस के सदस्य थे, 1928 के बाद से उन्होंने वो सदस्यता भी छोड़ दी। बाद में आकर तो खैर 1934 के बाद तो कांग्रेस ने ही मुस्लिम लीग और आरएसएस हिंदू महासभा को बैन कर दिया। और सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस ने ये बैन को और मजबूती से इम्प्लीमेंट किया कि कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस की कांग्रेस में कोई जगह नहीं होना चाहिए। तो खैर ये इसके बाद इसी को उनकी लेखनी ज़्यादा नहीं है, पर उन पर काफ़ी लेखनी हुई है, बहुत सारे लेखकों ने उनके ऊपर लिखान किया है। जी, इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ दूँ, आपने 26 जनवरी की बात कही है, लेकिन वो एक बार ही हुआ, एक ही बार, पहली बार ही वो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस आरएसएस ने मनाया, उसके बाद से कभी नहीं मनाया। तो उन्हें न तिरंगा मंजूर था, न स्वतंत्रता दिवस मंजूर था, न स्वतंत्रता का आंदोलन मंजूर था। दूसरा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि और किस किस तरह से आरएसएस ने अंग्रेजों की मदद की, ये जो हेडगेवार साहब हैं उन्होंने कैसे एक तो आज़ादी के आंदोलन से दूर रखा अपने आरएसएस को, और दूसरा कैसे अंग्रेजों की हेल्प की इसके अलावा। जी, उसके अलावा ये है कि उस समय अंग्रेजों को जो नीति थी, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति का आधार था कि मुस्लिम लीग हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला रही, हिंदू महासभा आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रही। तो उस समय जो सांप्रदायिक दंगे उनकी शुरुआत हुई उसमें आरएसएस का अच्छा भला योगदान रहता था, इस नाम पर कि हम हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे, इस आधार पे जो अंग्रेजों की नीति थी उसको वो ज़मीन तक ले गए। अब यहाँ मैं केवल आरएसएस को, हेडगेवार और आरएसएस को दोष नहीं दे रहा, मुस्लिम लीग का भी वही रोल था, इनका भी वही रोल था, ये उनकी दूसरा मदद करने का तरीका था। और उसके अलावा तो खैर यही कहना कि भाई ये हिंदू राष्ट्र है। और हाँ, तीसरी बात जो मुख्य रूप से वो कहते थे, अंग्रेज़ों को इनडायरेक्ट उससे मदद होती थी, कि गांधी और नेहरू जिस प्रकार से कह रहे हैं कि ये देश सबका है वो गलत है, ये देश केवल हिंदुओं का है, और ये बात कह के यानी अंग्रेज़ों को तो दो पोल चाहिए थे, एक तरफ से मुस्लिम लीग का पोल हो गया, एक तरफ से हिंदू राष्ट्र का पोल हो गया, तो अंग्रेज़ों की तो 12 हो गई, वो जितने देर तक खींच सकते थे अपने प्रशासन को वो खींचते रहे। ये दूसरी प्रकार से अंग्रेज़ों को अप्रत्यक्ष मदद मिली। और गांधी को कमज़ोर करने की हर संभव कोशिश की, गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार करना कि वो मुस्लिम तुष्टिकरण करते हैं, मुसलमानों के लिए काम करते हैं, वो हिंदू विरोधी हैं, इस तरह का भी एक दुष्प्रचार उस समय संघ लगातार करता रहता था। जी, ये आपने अच्छा याद दिलाया। देखिए, हेडगेवार जो अपने इसमें लिखते हैं, अपने इसमें बोल, जो उनका 1921 के बाद आरएसएस की स्थापना के कारण में वो दो चीज़ें बताते हैं। एक कारण बताते हैं कि गांधी ने
खिलाफत आंदोलन के माध्यम से मुसलमानों को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ा, इसलिए उन्होंने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया। मुसलमान बहुत आक्रामक हो गए, वो अल्लाह अकबर चिल्लाने लग गए वगैरह वगैरह। तो ये उन्होंने पहला गांधी पे, और दूसरा जो हम मलाबार विद्रोह पे बात कर चुके हैं उसका भी इन्होंने काफ़ी उल्लेख किया कि गांधी की नीतियों के कारण मुसलमान सिर पर चढ़ गए और वो अल्लाह अकबर, और उन्होंने मोपला विद्रोह जो किया है उसमें हिंदुओं को बहुत प्रकार से किया, और तीसरा हर चीज़ के लिए गांधी को जिम्मेदार ठहराना, जो भी मतलब समाज में जो भी कुछ हो रहा होगा कि भाई गांधी ने ये गलत किया, शुरू में तो ऐसे ही किया, बाद में चल के फिर वो क्रेडिट भी देने लग गए कि महात्मा गांधी हमारे शाखा में 1934 में आए थे, हमारी शाखा को देखकर बहुत प्रभावित हुए, जबकि गांधी का खुद का जो उनके सेक्रेटरी बाद में जाके लिखते हैं कि गांधी ने हमेशा देखा कि एक अथॉरिटेरियन संगठन है जिसमें अनुशासन है, पर अनुशासन तो हिटलर के फॉलोअर्स में भी था, मुसोलिनी के भी फॉलोअर्स में था, और गांधी ने उनके बारे में ये भी कहा कि केवल अखाड़े चलाने से देश को आज़ादी नहीं मिलने वाली जब तक हम अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं उतरेंगे, और ये सब चीज़ों का विरोध हेडगेवार ने उस समय तक किया। बात की बात और आपने जी, और आपने जो कहा कि जो बौद्धिक बौद्धिकता दी जाती थी कार्यकर्ताओं को आरएसएस के, उसी बौद्धिकता की वजह से गोडसे एक इतना हिंसक किस्म का व्यक्ति बना जिसने बार बार गांधी पर जानलेवा हमले किए और अंततः उनकी हत्या कर दी। तो ये आरएसएस की विचार प्रक्रिया है, अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने का ढंग था जिसने बहुत सारे ऐसे लोगों को इस तरह की भावना उनके मन में पैदा की और इस तरह की गतिविधियों की तरफ धकेला भी। देखिए, गोडसे की जो आधारशिला है वो आरएसएस में ही बनी है, और गोलवलकर तो 1940 के बाद आते हैं, पर 1934 के बाद से महात्मा गांधी पर जानलेवा हमले शुरुआत हो जाते हैं, और उसका मुख्य कारण यही है कि वो कहते हैं कि गांधी हिंदू राष्ट्र को कमज़ोर कर रहे हैं, मुसलमानों का तुष्टीकरण रहे, और ये उनके वजह से मैंने शाखा बौद्धिक का उनका जो मॉड्यूल उन्होंने बनाया उसके आधार पे नफ़रत पैदा करना मुसलमानों के खिलाफ। अब ये देखिए ये कितनी एक चालाकी की चीज़ है, वो अकबर ने क्या किया, औरंगज़ेब ने क्या किया, शाहजहाँ ने क्या किया, उसको उसका प्रतिबिंब आज के मुसलमानों पे। और तीसरी बात, एक बात जो हम भूल ना जाए, 1936 या 1937 में लक्ष्मीबाई केलकर जो एक किसी स्वयंसेवक से के परिवार की सदस्य थी, उन्होंने हेडगेवार जी से निवेदन किया कि हम महिलाओं को भी आरएसएस में आने की अनुमति मिलना चाहिए। क्या हेडगेवार जी ने कहा कि भाई ये तो संभव नहीं है, ये तो हमारे भारत समाज में इस प्रकार से संभव नहीं है, तो ठीक है, पर आप अगर देश सेवा करना चाहती हैं, हिंदू राष्ट्र की सेवा करना चाहती हैं, तो आप अलग संगठन बना लीजिए, और संगठन का नाम भी उन्होंने जो सुझाया उसको थोड़ा गहराई से सोचिएगा, राष्ट्र सेविका समिति। मतलब क्या है, उसमें स्वयं शब्द को गायब हो गया, एक हिंदू राष्ट्र की सेवा करने वाली एक समिति के रूप में उन्होंने ये बताया, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो पुरुष जो खुद एक राष्ट्र हैं उनकी सेवा करने वाला एक समिति जिसका स्वयं नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ हमको हेडगेवार के जीवन में दिखती है, जो 1940 के बाद की घटनाएं तो अलग होती है, यानी इनका जो पैट्रियार्कल पुरुष प्रधान जो नीति है वो हेडगेवार के समय से ही बराबर क्लियर कट स्पष्ट हो गई, और इसीलिए ब्राह्मणवादी चरित्र और एक महिला विरोधी चरित्र ये उसका हिस्सा है, हिंदू राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र का जो चिंतन है, हिंदुत्व है, उसी का वो एक इंटीग्रल पार्ट है। जी बिल्कुल जी। और आखिरी बात ये कि बहुत कम उम्र में हेडगेवार साहब चले गए, केवल 51 साल की उम्र में वो चले गए, और फिर उन्होंने गोलवलकर को जाते जाते सत्ता सौंप दी, आरएसएस सौंप दिया, लेकिन इतने कम समय में इतना बड़ा संगठन इस तरह का खड़ा कर दिया जिसको हिंदुस्तान आज तक भुगत रहा है। जी, ये बात तो मानना पड़ेगा, और उसमें दो तीन और चीजें थी। हेडगेवार तो मेरे ख्याल से वाज ए क्रिस्टलाइजिंग फैक्टर, पर इसके पहले मुंजे, सावरकर, और ये थोड़ा सा हिंदू महासभा के पीछे भी चले, जहाँ जहाँ हिंदू महासभा थी
उसके साथ भी जाके इनका एक्सपांशन हुआ। और हो सकता है समाज का एक तबका जो परिवर्तन के विरोध में था, जो भारतीय राष्ट्रवाद के विरोध में था, उसको ये क्रिस्टलाइजिंग पॉइंट जिसके चारों तरफ वो रैली कर सके, उसके कारण इनका विकास तेजी से हुआ। और ज़्यादा विकास तेजी से इनके जाने के बाद गोलवलकर, और उसके बाद तो फिर अभी तो पूछिए ही मत, सत्ता में आ गए हैं तो अभी तो उनका विकास और भी ज़्यादा दिख रहा है। जी, तो आपने ये अभी अंत में जो बातें कही उसमें थोड़ी सी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। आपने कहा कि जो वर्ग, जो जातियां आजादी के आंदोलन से नाखुश थी वो यहाँ इकट्ठी हुई, और आजादी के आंदोलन से नाखुश जातियां वर्ग कौन से थे? जाहिर है कि अपर कास्ट और अपर क्लास, ये यही लोग थे जो यहाँ पर जाकर क्रिस्टलाइज होते हैं और इस तरह के एक अभियान को मदद देते हैं। एक ही जोड़ दूंगा उसमें, एक तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, दूसरा जो रियासतों के राजा थे, रियासतों के राजाओं का भी इनको बहुत समर्थन था, क्योंकि उनको, उन्हें भी लग रहा था ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हमारी रियासत मतलब ज्यादातर तो रियासतों के जो हिंदू राजा थे उनका भी इनको बहुत समर्थन था। तो वही वर्ग इनका समर्थन कर रहा था जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के मूल्यों के खिलाफ था, जो अपनी वर्चस्व सामाजिक तौर पर या रियासत के तौर पे बनाए रखना था, वो इनके पीछे ज्यादा खड़े हुए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुन्यानी हेडगेवार साहब की व्यक्तित्व और कृतित्व, कृतित्व कहना उचित शब्द होगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, उस पर इतने विस्तार से रोशनी डालने के लिए धन्यवाद आपका, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।